आजादी के स्वराज अमृत महोत्सव समिति राजगढ़ के द्वारा आज नगर में उदय पैलेस में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नगर के लगभग प्रत्येक विद्यालय के छात्रों ने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की। वही कार्यक्रम में शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्य अर्पण और दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा किया गया है। बताते कि छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने ओजस्वी विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो वही समिति में यह कार्यक्रम युवाओं के बौद्धिक स्तर पर पब्लिक स्पीकिंग के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है। साथ ही अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के सेनानियों के बलिदान को बताने और उनके आदर्श को आत्मसात करने हेतु आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपाल सिंह राठौर, जो कि राष्ट्रीय युवा सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य हैं। बता दें कि राज्यपाल ने अतिथि भाषण में युवाओं को बोध कथा के माध्यम से अपने अतीत के वैभव पर गौरवान्वित करने तथा भविष्य के निर्माता होने हेतु प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि भारत किस तरह है और कैसे विश्वगुरु था, कैसे विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताया कि जिस तरह हनुमान जी को अपनी आंतरिक प्रतिभा का ज्ञान जामवंत जी ने कराया था, वैसे ही हर समय कोई हमें हमारी शक्तियों का ज्ञान करवाने उपलब्ध नहीं रह सकता है, किंतु आत्मज्ञान से अपनी शक्तियों को वह प्रतिभा को निखार सकते हैं, वह भारत को परम वैभव पर ले जा सकते हैं।